हेलो गाइस, सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम दाल मखनी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली, होटल वाली। तो आओ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिए साबुत उलद और राजमा, जिसको मैंने पूरी नाइट भिगो दिया था। अब इसको हम कुकर में निकाल लेते हैं, पानी नहीं डालना है, खाली आपको उलद। और अब ये मैं डाल रही हूँ साफ पानी, 1.5 लोटा यानी समथिंग 3 गिलास। और ये इसी के अंदर ऐड कर देंगे हम नमक, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डालना है। और ये मैंने कुकर रख दिया था इसको एक उबाल आने के लिए। फिर उबाल आने के बाद मैंने डाले 2 टमाटर बड़ी साइज के, और इसी के अंदर ऐड करूँगी मैं घी 1 चम्मच, और साथ में ऐड करूँगी मैं 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। ये मैंने घी डाल दिया, और अब ऐड कर देंगे हम हल्दी। ये देखिए हल्दी डाल दी मैंने 1/2 चम्मच, और इसको हम 4 सीटी लगा देते हैं मिक्स करके। और ये मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया है 2 चम्मच। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर डालें, और बटर ना हो तो घी यूज ले सकते हैं, और घी भी ना हो तो घर में जो यूज चीज़ हो उससे, तेल से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने जीरा डाल दिया। अब डाल दूँगी मैं बड़ी इलायची, काली मिर्ची, लौंग और दालचीनी का छोड़ा, और ये मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची जो मैंने मिक्सी में पीस लिया था इसको भी डाल देंगे। और इनको हम फ्राई करेंगे धीमी आंच पर, हल्के गुलाबी हो जितने हमें फ्राई करना है। दाल मखनी जब बनाते हैं तो हम घी में या बटर में बनाते हैं तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है, तो आप देख लें आपके हिसाब से। तो ये हमारे लहसुन प्याज फ्राई हो रहे जितने हमने कुकर खोल के चेक किया है कि हमारे गले या नहीं गले, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, और ये हमारे गल चुके हैं अच्छे से। और मैं इसको चम्मच की सहायता से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे इधर लहसुन प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। इसमें डालूँगी मैं सबसे पहले 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे एक अच्छा सा कलर आता है। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करूँगी मैं तीखी लाल मिर्ची जो हम डेली यूज करते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची है, और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब ऐड करेंगे हम पानी, साथ में ऐड कर रही बट सॉरी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कम ही डालना है, क्यों हमने दाल जब बॉईल की थी तो उसके अंदर भी हमने हल्दी डाली थी, तो मैंने थोड़ी हल्दी डाली है। और अब डाल देंगे हम पानी ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए, और आप भी डाल दें पानी ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। और टमाटर वगैरह हम कुछ डाल नहीं रहे क्योंकि हमने दाल के अंदर ही हमने टमाटर डाल दिए थे। ये देखिए पानी हम अच्छा डालेंगे ताकि, और जितने उधर मसाला बन रहा है जितने मैंने इसको एक साइड कुकर को वापस रख दिया, और इसके अंदर मैंने डाला है 1 गिलास दूध। और दूध को हमें चलाते रहना है क्योंकि हम बिल्कुल हम आज होटल स्टाइल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से पकाना है। और ये जितनी ज़्यादा पकती है जितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसको हम पकाएंगे अच्छे से दूध डाल के अच्छे से। ये हमारा मसाला बन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम कस्तूरी मेथी जो एक अलग ही टेस्ट आता है इसको डालने से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं चलेगा। तो अब इसे सारी मिक्स कर लिए, और अब डाल देंगे हम जो हमने वो दाल जो बॉईल की थी दूध डालकर और पकाया था उसको, हम सारा बटर इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया, और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर और, ताकि ये हमारा मसाले में अच्छे से घुल जाए और एक अलग ही टेस्ट आए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया दाल मखनी का, बिल्कुल ढाबे स्टाइल होटल स्टाइल, बिल्कुल टेस्ट भी। और अब हम ऐड करेंगे सबसे राइस में गरम मसाला, जो गरम मसाले से एक अच्छा टेस्ट आता है और खाने में बड़ी टेस्ट लगती है। तो ये हमने कोई और दूसरा कोई मसाला यूज नहीं किया, खाली एक गरम मसाला 1/2 चम्मच हमने डाला है। और अब मैं घर की फ्रेश क्रीम बना रही हूँ क्योंकि हमारे इधर क्रीम मिलती नहीं, तो मैंने क्रीम ली है। क्रीम के अंदर थोड़ा सा दूध डाला, और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये हमारी अच्छे से फ्रेश क्रीम बन जाए।
तो इसको हमने फेंट लिया। और ये इधर ये देखिए हमारे 5 मिनट अच्छे से पक गई दाल मखनी बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मलाई क्रीम यानी, ये देखिए। और ये हमारी होटल स्टाइल बिल्कुल दाल मखनी तैयार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये देखिए अब क्रीम आप चाहे जितनी डाल सकते हैं। ये हम डाल रहे हैं क्रीम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।